हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकलेशियस। आज मैं आपको राजमा करी की रेसिपी बता रही हूँ। इसके लिए क्या क्या सामग्री आपको चाहिए आप देख लीजिए। राजमा करी बनाने के लिए ये मैंने एक कप राजमा लिया है, जिसको मैंने रात में पानी में भिगो के रख दिया था और ये अच्छे से भीग गया है। अब इसमें नमक और पानी डाल के कुकर में डाल के इसको 4 से 5 सीटी लगा देंगे, जिससे ये नरम हो जाए। तो मैंने राजमा कुकर में डाल दिया है। अब इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे। तो इतना पानी डालेंगे जितने में राजमा डूब जाए, और नमक डाल देंगे और 4 से 5 सीटी लगा देंगे। कुकर को खुद ठंडा होने देंगे। ये देखिए, हमारे राजमा में 4 सीटी लग गई है और राजमा नरम हो गया है। अब देख लीजिए, क्योंकि राजमा भी अलग अलग टाइप की रहती है, उसमें भी फिर पकने के लिए टाइम जाता है कोई कोई राजमा के लिए। तो हमको राजमा इतना पकाना है, सॉफ्ट होना चाहिए। और राजमा का मसाला के लिए ये मैंने भगाने के लिए 1 तेज़पत्ता लिया है, 2 लौंग है, 2 इलायची है और छोटा 1 इंच का टुकड़ा लिया था दालचीनी का, जिसको मैंने तोड़ के रख लिया है। 1 प्याज है, जिसको मैंने लंबा लंबा चॉप कर लिया है बारीक भगाने के लिए। ये मैंने 1 चम्मच गरम मसाला लिया है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर है, 1 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चम्मच जीरा है और नमक टेस्ट के अनुसार लेंगे। नमक हमने बॉईल करने के टाइम में भी डाला था, तो ध्यान से हम नमक ऐड करेंगे इसमें। और ये मैंने 2 प्याज ली है, जिसको मैंने स्लाइस करके रखा है, और 4 मीडियम साइज के टमाटर है, जिसको मैंने काट के रख लिया है। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे। सबसे पहले एक पैन ले लेंगे और उसमें मैंने 1 छोटा चम्मच ऑयल डाल दिया है, और इसमें हमने जो कांदा काट के रखा था उसको फ्राई करना है। पहले थोड़ा तो फ्राई करने से बहुत अच्छा खुशबू और बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है, हल्का गुलाबी होने से कांदा को हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हमारा कांदा थोड़ा सा गुलाबी हो गया है, पक गया है हल्का सा। अब इसको बंद कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब एक जार ले लेंगे और उसमें मसाला डाल देंगे सब पीसने के लिए। धनिया पाउडर, जीरा, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और टमाटर। और अभी इसमें ऐड करेंगे जो हमने कांदा भून के रखा है और जो ठंडा हो गया है, वो भी इसमें डालेंगे और मसाला पीस लेंगे। ये सब मिलाकर एक पेस्ट बना के तैयार रख लेते हैं पहले। ये देखिए, हमारा मसाला पीस के एकदम तैयार हो गया है। और कढ़ाई में मैंने 3 चम्मच तेल ले लिया है। सबसे पहले इसमें गरम मसाला डालेंगे, लौंग इलायची दालचीनी और 1 तेज़पत्ता, और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। इसके बाद कांदा ऐड करेंगे इसमें, भी कांदा डाल देंगे। लाल कर लेंगे कांदा को। कांदा लाल हो गया है, अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे।
इसमें जो मसाला हमने पीस के रखा है वो ऐड करेंगे। इसको अच्छे से भून लेंगे मसाला को। ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें जो राजमा बॉईल करके रखा है वो इसमें डाल देंगे। तो मैंने राजमा इसमें ऐड कर दिया है और अच्छे से मसाला में मिक्स कर लेंगे इसको। और अब इसमें मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ। आपको जितना ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर लीजिए। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से स्लो फ्लेम में बॉईल होने देंगे। पहला एक उबाल आने देंगे, उसके बाद में फ्लेम स्लो कर देंगे और 10 से 15 मिनट इसको पकने देंगे। ये देखिए हमारा राजमा अच्छे से बॉईल हो गया है। 10 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे से बॉईल कर लिया था। अब इसमें हम गरम मसाला ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे गरम मसाला और 2 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा बंद करके छोड़ देंगे ताकि गरम मसाला का स्मेल इसमें अच्छे से बैठ जाए। तो देखिए 2 मिनट हो गया है और मैंने इसको खोल दिया है और अब इसको हरा धनिया डाल के गार्निश कर देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे और हमारी टेस्टी राजमा बनके तैयार हो गई है। इसको सर्व करेंगे। ये देखिए मैंने प्लेट में चावल सर्व कर दिए हैं और अभी राजमा डालेंगे इसमें। ये बहुत टेस्टी बनी है और बहुत टेम्पटिंग भी लग रही है और राजमा चावल के साथ में बहुत टेस्टी लगती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और मैंने इसको जो तरीके से बनाया है कांदा फ्राई करके, उस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और राजमा बहुत न्यूट्रिशियस भी है, बहुत हेल्दी है हमारे बॉडी के लिए। इसको हमको ज़रूर खाना चाहिए। आप इस तरीके से इसको ज़रूर बनाइए, बहुत टेस्टी बनी है राजमा करी की रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल बटन भी दबाना ना भूलिए, जिससे मेरे नई नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।